हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दीव का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गंगेश्वर महादेव जा रहे हैं, और महादेव की ब्लेसिंग लेके हम लोग आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आगे जा रहे थे तो बीच में ये बढ़िया सा सीनिक व्यू आया, तो मैंने सोचा कि आपको एक एक बार इस व्यू को दिखाऊं। और आप देख सकते हो कि दीव का बेसिकली दीव में सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन वाली चीज़ है वो है सी बीच। तो बीच ही नहीं देखा दीव में तो क्या देखा, तो इसीलिए बीच में ये रास्ता आया तो मैंने बोला कि एक बार आपको ये व्यू दिखाऊं। अभी हम लोग थोड़े से ही आगे चले गए ना, तो बीच में इधर स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट है, जो मतलब पुरानी स्ट्रीट है जहाँ पे हम लोग वॉक कर सकते हैं। तो मतलब आप ही गंगेश्वर वाले रोड पे जा रहे हो आगे, तो एक बार ये वॉकिंग स्ट्रीट देख के आप आगे जा सकते हो। हमने नहीं देखा क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मिलते हैं डायरेक्टली मंदिर पे हम लोग। अभी आ गए गंगेश्वर महादेव। यहाँ से मंदिर का रास्ता जा रहा है आगे से। अभी क्या है कि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, तो मतलब हो सके इतना आपको दिखाने के ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं आगे गंगेश्वर महादेव। तो दोस्तों, मंदिर से थोड़ा पहले यहाँ पे छोटी सी मार्केट है। आप मार्केट देख सकते हो, बेसिक मार्केट है, तो यहाँ पे खिलौने ये सब कुछ चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की भी दुकान है। ये मेन साइन बोर्ड है, और ये मेन अपना जो गेट है जहाँ से हम लोग मंदिर में एंटर होते हैं। आप देख सकते हो मेन पैसेज इतना भव्य है, आपको आगे दिखा रहा हूँ मैं कि कितना भव्य है मंदिर का मेन पैसेज और कितना बड़ा है। आप देखो कि कितना बड़ा पैसेज आपको दिख रहा है इधर, और लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा मेन पैसेज। आप देखो अभी संडे है तो भीड़ भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मंदिर की हिस्ट्री में ऐसा, ये मंदिर पूरा पांडव के द्वारा बनाया गया है, यानी कि 5000 साल पूरा मंदिर है। और मंदिर की ये खासियत है कि पांचों शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी, और उसके शेप के बराबर उसकी स्थापना की थी। मतलब यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा मंदिर, तो उसकी साइज अलग अलग है। और दूसरा दूसरा यहाँ की खासियत ये है कि ये मंदिर का जो भी जड़ अभिषेक है वो समुद्र देवता करते हैं, यानी कि सी में से पानी अपने आप शिवलिंग के ऊपर आता है। अभी हम लोग एंटर होते हैं के मंदिर में, मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ आगे से। प्रवाह पावितस्तरी घरेवलम्बलम्बिताम्बुजम्बुकमालिकाण्डवर्वयच्चकारचण्डचाण्डवन्तरोतुरशिव जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगञ्जरिन्दिरोलवीचिवल्लरी विराजमानमुद्रज्जगद्दगद्गज्वलललाटभट्टभावकैकिशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिच्छरम्
तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं INS खुखरी मेमोरियल पे। इस मेमोरियल आप बाहर से देखोगे ना तो एकदम बढ़िया है, और यहाँ पे बैटरी वाली गाड़ी भी मिलती है जिसमें हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो इस गाड़ी की टिकट मिल जाएगी, टिकट का रेट है एक का 40 रुपये, तो हम लोगों ने ले लिए हैं 2 टिकट। अभी हम लोग जा रहे हैं, इसका मजा भी ले लेंगे हम लोग। तो दोस्तों अब हम ऊपर पहुंच गए हैं, मेमोरियल के पास जा रहे हैं, और आपको बाहर से दिखाते कैसा मेमोरियल लग रहा है। देखो ये जहाज बना हुआ है, मतलब उस टाइम पे ऐसा ही जहाज था जिसको हम बोलते हैं INS खुखरी। INS खुखरी वो भारतीय नौसेना की शान थी तब की, और करीबन दीव से 50 किलोमीटर चलने के बाद तब क्या था कि इतना ज्यादा अच्छा सोनार नहीं था, तो सोनार नहीं था तो मतलब मालूम नहीं रहता था नीचे कोई सबमरीन है कि नहीं। तो उस टाइम पे पाकिस्तानी सबमरीन ने इस जहाज पे टोरपीडो चलाया, और उस टोरपीडो में इस जो ये अपना जहाज है वो डूब गया। उस टाइम पे टोटल 18 ऑफिसर थे और 176 सैनिक थे, वो सारे यहाँ इस जहाज में शहीद हुए। उसमें उस टाइम पे इस जहाज के कैप्टन महेंद्रनाथ मुला भी थे, जो चाहते तो आराम से बाहर निकल सकते थे, बट उसने अपने जहाज के साथ समाधि ली, यानी कि शहीद हुए। तो मतलब हम लोग ये सभी अपने जो सोल्जर है उसको याद करके एक बार जय हिंद बोलते हैं, और उसकी याद में ये देखो कितना बढ़िया मेमोरियल बनाया। तो मतलब हम लोग कभी भी इधर जाते हैं ना तो अपने को इतना प्राउड फील होता है, अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की, वो अपने लिए प्राउड फील होता है। आप देखो आगे से काफी बढ़िया व्यू आ रहा है, रात के टाइम पे इधर बैठने में मजा ही अलग होता होगा, लाइटिंग भी सभी जगह पे है इधर, तो आप रात को इधर बैठ भी सकते हैं। चलो अभी हम लोग आगे निकलते हैं। दोस्तों आपको खुखरी की दूसरी एक जहाज दिखाने के लिए हम लोग आए इधर, मतलब रात को इसका व्यू तो कुछ अलग ही आता होगा, बट अभी भी आपको अंदर से दिखाते हैं कैसा जहाज होता है, और ये पूरा म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ है। को दिखाता है यहाँ की एक खासियत है, आपको टिकट लेनी होगी तो आपको कैश या फोन पे गूगल पे नहीं चलेगा, ओनली फॉर कार्ड चलेगा, क्योंकि ये नेवी का है। तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्टली नेवी के अकाउंट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। 100 रुपीज चार्ज है, आप देख सकते हो। यहाँ से टिकट लेनी होती है 2 की, हम लोग अभी ले लेते हैं, कार्ड पेमेंट ओनली ही चलेगा इधर। तो फ्रेंड्स टिकट ले ली हमने, 100 रुपीज है जैसे आपको बताया, अभी आगे जा रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया, अभी क्या ज़्यादा पानी है ना और हवाएं ज़्यादा बह रही है ना, तो पूरा सीप है ना हिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं सीप में, देखते हैं मतलब
तो ओरिजिनल में जहाज कितना बड़ा होगा वो आज हम लोग आपको दिखाएंगे और हम भी देखेंगे, क्योंकि अभी कभी भी ओरिजिनल जहाज में हम लोग गए नहीं थे नेवी के। ये जो आपको आगे दिख रहा है ना वो तोप है, और ये जो दोनों साइड दिख रहा है वो उसमें उस टाइम पे मिसाइल्स रखते थे, और यहाँ से नीचे भी जाया जा सकता है। पर अभी क्या सब कुछ लॉक है, आप देख सकते हो ये, और यहाँ से ऊपर जाया जा सकता है, और इसमें अंदर एक तोप का जो मतलब जो तोप होती है उसका कंट्रोलर बैठता है अंदर, और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। मतलब हमको तो इतना मज़ा नहीं आता फोटो खींचने में, तो मतलब कम फोटो लेते हैं खुद की। देखते हैं आगे, और यहाँ से कंट्रोल रूम दिखता है पूरा जो सीप के एग्जैक्टली आगे होता है। अभी थोड़ा चलो अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। मतलब सीप में काफ़ी कंजेक्टेड होता है सभी जगह पे, और ये आज ही हमको महसूस भी हुआ। आप देख सकते हो कि कितना कंजेक्टेड एंट्रेंस है, और यहाँ पे एक छोटी सी केबिन जैसा है जहाँ पे कुछ सोल्जर कुछ काम करते थे उस टाइम पे। अभी आगे जाके आपको दिखा था वो मैं, और एक एक कैबिनेट खोल के आपको दिखा था वो अंदर रूम में क्या है क्या नहीं है। ये देखो आप, इतनी छोटी जगह में सोल्जर सोते थे उस टाइम पे, और ये कुछ ऑफिस जैसा है। मतलब यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि कौन सा डोर है कौन सा नहीं है, और यहाँ पे बंद करके रखा है। नीचे से भी अंदर नीचे भी जा सकते थे जब ये ओपन होगा तब। कुछ खुल नहीं रहा है क्योंकि लॉक है सभी। मतलब थोड़े दिन पहले आया था ना तो अंदर भी जा सकते थे। ये देखो कितनी छोटी जगह में 6 सोल्जर सोते थे उस टाइम पे। मतलब मैं तो अंदर जा भी नहीं सकता। आप सोच सकते हो कि इतनी छोटी जगह में कैसे कोई आदमी सो सकता है। मतलब अपने सोल्जर कितना सेक्रीफाई करते हैं ये हम थिंकिंग कर सकते हैं। छोटी सी हॉस्पिटल जैसा है, मतलब कभी भी बेसिक ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल सकती थी उस टाइम पे। और जहाज में तो क्या है, हॉस्पिटल दूर होती है तो मतलब थोड़ी ट्रीटमेंट लेने में दिक्कत रहती है, तो इतनी छोटी जगह पे ट्रीटमेंट भी हो जाता है। ये जहाज का पीछे का भाग है, हम लोग ऊपर जाते जहाँ पे हेलीपैड है। मतलब ये इस जहाज में एक हेलीपैड उस टाइम पे होता था, और वहाँ पे हेलीकॉप्टर का लैंडिंग होता है। ये हेलीपैड का एरिया है पूरा, और इधर हेलीपैड कंट्रोल रूम है जहाँ पे हेलीपैड का कंट्रोल होता था पूरा। आप देख सकते हो ये छोटी सी केबिन है इधर, अभी लोग हैं इसीलिए खोल नहीं सकते हम लोग। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। ये छोटा सा रॉकेट लॉन्चर है, जब मिसाइल आती थी तो इसमें से रॉकेट छोड़े जाते थे जिससे मिसाइल कंफ्यूज हो जाती थी और जहाज पे उसका अटैक नहीं होता था, इसीलिए ये छोटा रॉकेट लॉन्चर होता था उस टाइम पे मिसाइल पे, मिसाइल को रोकने के लिए। मतलब आप देखो, मतलब देखने से मालूम होता है कि ये कितना टेक्नोलॉजी उस टाइम पे भी कितनी टेक्नोलॉजी हायर थी अपनी। और दूसरा अभी सोच रहे हैं कि ऊपर जाके आपको और कुछ दिखाऊं, और देखते हैं। मतलब मालूम नहीं, यहाँ पे किसी जगह पे लिखा नहीं आगे क्या है क्या नहीं है, तो हमको आगे आगे जाके ही कुछ ना कुछ मालूम रहता है कि ये है ये है, और यहाँ पे कोई गाइडर भी नहीं है जिससे कुछ गाइडेंस मिले हमें। लग रहा है कि आगे कैप्टन की जो मेन चैम्बर है ना वो दिखेगी। आप देखो साइड में से कैसा व्यू मस्त दिख रहा है। तो हम लोग अभी एंटर होंगे अपनी मेन कॉकपिट में। जैसे ही फ्लाइट में कॉकपिट होती है ना, ऐसे जहाज में भी अंदर मेन चैम्बर होती है जहाज से जहाज का पूरा कंट्रोलर होता है, यानी कि कंट्रोल रूम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे एंट्री हो रही है, अभी हम लोग कंट्रोल रूम में आ रहे हैं। आप देख सकते हो मतलब कितना वाईफाई है। अब उस टाइम पे भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी। अब देखो पूरा वुडन का बना हुआ है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफली कमरे तो बंद है तो ज़्यादा तो कुछ नहीं देख सकते, बट इतना दिखाना तो उसमें हमको ऐसा फील हुआ। तो ये जहाज जब भी समुद्र में था और अपनी सर्विस दे रहा था, तो आप सोच सकते हो कितनी कंजेक्टेड जगह में अपने सोल्जर अपना वर्क कर रहे थे। मतलब सोल्जर की जो भी डेडिकेशन है वो लेवल हम सोच भी नहीं सकते। इतना डेडिकेशन से सोल्जर अपनी ड्यूटी करता था। और यहाँ से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं क्योंकि छोटा सा छोटे कमरे हैं, ज़्यादा तो कुछ दिखाने के लिए ओपन नहीं रखा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि अभी उस टाइम पे हवा भी ज़्यादा थी, तो इसीलिए ये जो अपना जहाज थे ना वो थोड़ा सा हिल रहा था, तो नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कत थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल लूँ,
तो थोड़ा मस्ती कर रहे थे हम लोग। तो दोस्तों ये था पूरा जहाज, और देखने में काफी मजा आया और फील भी किया काफी। तो अभी का हमारा प्लान ऐसा है, हम लोग इधर से नागवा बीच पे जा रहे हैं और आपको डायरेक्टली रोड पे ही मिलेंगे हम लोग और बात करते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम लोग नागवा बीच पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे पार्किंग का 50 रुपीज़ है। मतलब पूरे दिन में आप कहीं पे भी जाओ 50 रुपये पार्किंग है गाड़ी के लिए। और आज संडे था तो पार्किंग भी नहीं मिल रही थी। देखते हैं आगे मिल रहा है नहीं मिल रहा। मतलब एक छोटी जगह दिख रही है तो चलो वहाँ पे गाड़ी पार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे चलान जल्दी कट जाता है तो आपको याद रखना है कि गाड़ी प्रॉपर जगह पे ही पार्क करनी है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए वर्ल्ड फेमस नागवा बीच पे, जो दीव की मेन सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है। और यहाँ पे लोग दीव इस नागवा बीच के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटी होती है जो गोवा में होती है। तो अभी क्या बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे सारी एक्टिविटी बंद करवाई हुई है, इसीलिए पूरा बीच आपको खाली दिख रहा है। अदरवाइज तो यहाँ पे आप सीजन में जब भी आओगे तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती, इतनी ट्रैफिक होती है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि दीव का ये जो नागवा बीच का नजारा है कितना बढ़िया दिख रहा है। आप सोच सकते हो अभी खाली है तो भी इतना बढ़िया नजारा आ रहा है, तब जब भी यहाँ पे वाटर स्पोर्टिंग होती होगी और वाटर एक्टिविटी होती होगी तो कितना बढ़िया नजारा दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये था अपना दीव का ब्लॉग, और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हो सके इतना हम ब्लॉग पे कमेंट करना, हो सके इतना लाइक करना, और जो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर गंगे हर हर महादेव, जय श्री राम।